हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। साथियों, पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को अंग्रेजी प्रणाली में कैसे लिखा जाए इसके बारे में बताया। आज हम आप लोगों को उससे ऊपर की संख्याओं को कैसे हम अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति यानी ब्रिटिश प्रणाली में कैसे लिखें इसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। तो आइए हम आप लोगों को इसके बारे में बारी बारी से बताने का प्रयास करते हैं। तो साथियों, पहले हम आप लोगों को बताते हैं, जैसे हम हिंदी में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार करते हैं, उसी तरीके से इसमें इकाई को वंस पढ़ते हैं ONES, दहाई को टेंथ TENS टेंस पढ़ते हैं, इसके बाद हजार सैकड़ा को हंड्रेड पढ़ते हैं, हजार को थाउजेंड, 10,000, 100,000, इसके बाद हमारा मिलियन आता है, 10 मिलियन, 100 मिलियन, मिलियन के बाद बिलियन आता है, बिलियन, 10 बिलियन, 100 मिलियन, 100 बिलियन, इसके बाद ट्रिलियन आएगा, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। इस तरीके से हम यहाँ देख रहे हैं तीन तीन का जोड़ा बना करके पढ़ते हैं। तो आइए हम आप लोगों को बारी बारी से पढ़ने और समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हमारी पहली गिनती है, ये तो पिछले वीडियो में हमने बताया था, यहाँ पर है वंस, टेंस, हंड्रेड, इसको 432 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 432। अगली गिनती हमारी है, वहां पर है वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, इसको हम पढ़ेंगे 75,000। क्या है? 75,206, इसको पढ़ेंगे 206। अब अगली गिनती हमारी है, हमने बताया आप लोगों को कि तीन तीन संख्याओं को एक साथ पढ़ते हैं ब्रिटिश प्रणाली में, तो इसको हम पढ़ेंगे 325। क्या है? 325,000, 459। अगली गिनती हमारी है, यहां पर हमारा है वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, 100,000, इसके बाद हमने बताया आप लोगों को मिलियन आ जाता है, तो इसको पढ़ेंगे 1,328,000, 328,756, तो इसको इस ढंग से पढ़ेंगे। अगली गिनती हमारी है, यहाँ पर वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, 100,000, इसके बाद मिलियन आता है, मिलियन, 10 मिलियन। हमने बताया कि यहाँ पर तीन तीन संख्याओं को एक साथ पढ़ेंगे। अब यहाँ पर इसको पढ़ेंगे 34 मिलियन, 34,527,432। अगली गिनती हमारी है, यहां पर भी हमने बताया कि तीन तीन का पेयर पहले बना लेंगे, इसको पढ़ेंगे मिलियन के बाद हमारा मिलियन आता है 263, 263 मिलियन, 527,350। अब इसके बाद अगली गिनती हमारी है, पहले पेयर बना लेंगे तीन तीन का, यहां बन जाएगा, इधर ये बन जाएगा, तो ये हमारा वंस, हंड्रेड, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, इसके बाद बिलियन आता है, तो इसको पढ़ेंगे 9 बिलियन, 643 मिलियन, 268,759। इस तरीके से साथियों हम संख्याओं को पढ़ते हैं। अगली हमारी संख्या है, यहां पर भी तीन तीन का पेयर बना लेंगे, ये हो गया, ये हो गया, यहां पर है हंड्रेड के बाद आता है थाउजेंड, थाउजेंड के बाद मिलियन, मिलियन के बाद बिलियन आएगा, यहां पर पढ़ेंगे 26 बिलियन, 643 मिलियन, 963,105। अब अगली गिनती हमारी है, यहां पर इसको भी पेयर बना लेंगे हम तीन तीन का इस तरीके से, यहां पर, अब इसको, यहां पर तो वंस, टेंस, हंड्रेड हो गया, हंड्रेड के बाद थाउजेंड, थाउजेंड के बाद मिलियन, मिलियन के बाद बिलियन हमारा हो जाएगा। अब इसको पढ़ेंगे, यहां पर देखिए तीन तीन का पेयर बनाते समय अगर यहां ऊपर लिख देंगे, ये थाउजेंड हो जाएगा और ये मिलियन हमारा हो जाएगा, ये बिलियन हो जाएगा, तो थोड़ा पढ़ने में आसानी होगी। इसको हम पढ़ेंगे 425 बिलियन,
649,904,287। तो इस तरीके से हम बना करके इनको पढ़ेंगे। अगली गिनती हमारी है, यहां पर देखिए, यहां पर भी सबसे पहले एम्पेयर बना लेंगे, एक तीन तीन का। इसके बाद ये बन गया हमारा, ये अकेले है तो इसको अकेले पढ़ेंगे। यहाँ पर वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, 100,000। इसके बाद मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 मिलियन। इसके बाद ट्रिलियन, तो यहाँ पर इसको ट्रिलियन लिख लें, टी आर। ये बिलियन है, ये मिलियन है, ये थाउजेंड है। इसके बाद इसको तो हम पढ़ेंगे ही 257, तो इसको पढ़ेंगे 3,945,000, 563,469,258। तो साथियों, इस तरीके से हम कोई भी गिनती, चाहे जितनी बड़ी हो, अगर अंग्रेजी में लिखी गई है तो उसको हम अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति या ब्रिटिश प्रणाली में इस तरीके से पढ़ लेंगे। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।